करते हैं, तो बट आज है शनिवार, तो अभी सोच रहा था मंदिर हूँ पहले मैं जाके, अभी तो मैं फ्रेश होकर आ चुका हूँ, अभी लग रहा है 7:30, तो 8:30 बजे तक मंदिर से लौटाऊँ। अभी मंदिर में टाइम लगता है मेरे को, भी मंदिर में जाओ मंदिर चढ़ाओ, उसके बाद खराश हो रही है, हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ती है, हनुमान चालीसा में कोई 15 मिनट लग जाता है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मंदिर में शांति से बैठो, अच्छा लगता है। तो बट अभी निकलते हैं यहाँ से मंदिर के लिए, मंदिर भी ज़्यादा दूर नहीं है, कॉलोनी के जस्ट बाहर ही मंदिर है, यहाँ से निकलते हैं और आपको मंदिर में मिलते हैं। मंदिर घुमाने के आपको मंदिर घुमाया है मैंने अभी तक, हाँ मंदिर नहीं घुमाया हुआ, 6-7 महीने में मंदिर की बाहर से दिखा दिया हुआ, मंदिर नहीं घुमाया हुआ, बट आपको मैं मंदिर दिखाता हूँ, तो आप वीडियो में बने रहना और सुबह की शुरुआत हो रही सीधे मंदिर से, तो बने रहिए वीडियो में। करते हैं मंदिर, बट दादाजी बैठे हैं सामने, दर्शन करिए अब। अरे यार कौन आ गया, भाई कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है। बट अभी बैठे ही हैं खड़े ही हैं, तो बट बोर हो रहा था बहुत भयंकर, मंदिर तो मैंने आपको दिखा दिया है, नहीं मंदिर के टाइम पे जी है गाइस, जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा मंदिर की, बट कोई ना कोई बीच में आ ही जाता है, तो अभी बस बैठी है। और गाइस एक बात और कि मैंने गिटार क्लासेस ज्वाइन कर ली हैं, तो बट गिटार लेने भी जाना है, सर से बोल दिए मैंने कि 2-3 दिन में गिटार लेके आ जाऊंगा, बट आज तो छुट्टी है गिटार कोचिंग की, कल भी है, परसों मंडे से जाना है, तो मंडे को मैं जाऊंगा गिटार क्लासेस, तो आपको दिखा दूंगा कैसा है, मतलब कैसी गिटार क्लासेस है, क्या है, क्या कौन से सर हैं, तो बट मैंने आज आपको बता दी, तो बट सर ने प्रैक्टिस के लिए गिटार दिया है, तो आपको मैं दिखा देता हूँ, प्रैक्टिस के लिए दिया है गिटार, दिखा देता हूँ अच्छी है, हमने रखा है, बट अभी सर ने बोला नया खरीद लेना, बट अभी नया नहीं है, तो आप क्या बोलते 1-2 महीने के लिए इसे प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर आप समझ में आए तो नया खरीद लेना। तो मैं गाइस आवाज आई बढ़िया, अभी सर एक सॉन्ग सिखा रहे हैं, सॉन्ग नहीं बताया सर, उन्हें ट्रेनिंग बताई है, तो बट अभी मैं आपको बता देता हूँ कौन सी ट्रेनिंग बताई है, अक्षय होती तो कैमरा पकड़ लेता, चलो आपको मंडे को बताऊँगा गाइस, ठीक है, मंडे को सर भी सॉन्ग गाएंगे, तो सॉन्ग आपको सुना भी दूंगा, बट अभी नीचे मौसी बुलाने भी, मौसी भी रुकी है ना, मौसी है नीचे, हाँ क्या हो गया, तेल चाहिए, देख क्या होता है, तेल चाहिए, तेल दे दिया, गाइस बजाने में एक नंबर चाहिए, बहुत बढ़िया था, उल्टा ही पकड़ लिया मैंने कैमरे के चक्कर में, उल्टा पकड़ लिया है, आवाज़ सुन सकते हो, सीख जाएगा तुम्हारा भाई, बहुत जल्दी सीखेगा, और बजाऊंगा नया खरीद लूँगा, अभी तो सर ने प्रैक्टिस के लिए दिया है, सर बहुत बढ़िया है मेरे गाइस, हद से ज़्यादा बढ़िया, खूब मजाक करते हैं, मिलवाऊंगा घर को मैं आपसे, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, थक गया हूँ, 9 बज गया है, 2 घंटे लग गया, बोल भी जाता था 2 घंटे लग जाएंगे साढ़े का, हाँ 1.5 घंटे लगा, 2 घंटे नहीं, थोड़ी थोड़ी मिलता हूँ थोड़ी देर में, आप लोग सोच रहे होंगे बट जो छत पे क्यों जा रहा है, बट छत पे मैं इसलिए आ गया, समझ गए होंगे आप, बादल उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, दिखाऊंगा आपको, देखो लाइन से चल रहे हैं सामने सामने, अब देखो वीडियो चालू कर दिए चल नहीं रहे, अब चल रहा है धीरे धीरे चल रहा है, भाई कितना प्यारा सीन हो रहा है यार, देखो सामने से काले बादल है पूरे, पानी आ चुका है बहुत तेज वाला, बट कौए भी उड़ रहे हैं, छत पे आया था मैं, सोचा वीडियो बनाई जाती है, बट जैसे ही मैं छत पे आया वैसे ही मेरे कपड़े उड़ रहे और पानी बरसने लगा, वीडियो अच्छे से बना नहीं पाऊंगा, मैंने सोचा कि थोड़ी देर बातें करूँगा आपसे, बट पानी बरस रहा है, अब नीचे जाना पड़ेगा, निकलते हैं पहले नीचे, क्योंकि बहुत तेज पानी आ चुका है और बादल उड़ रहा है, बादल उड़ी जाए बहुत बढ़िया है भाई, आ गया पानी भरना पड़ेगा यहाँ से, ये तो गीले हो जाएंगे, भागो भागो नीचे ही आ गया, बट मिलते हैं थोड़ी देर से, क्योंकि राधे को भी लेने जाना है स्कूल, आज कह रहा था राधे कह रहा था स्कूल लेने आ जाना भाई, तो जाना है स्कूल लेने के लिए उसको, बट 12:30 बजे जाना था, अभी बज रहा है 12, तो देखते हैं बरसात रुकती है, निकलते हैं उसको लेने के लिए, नहीं तो फिर पैदल आएगा अकेला पीछे पीछे, देखते हैं जैसा मूड बनेगा वैसा करूँगा मैं, ठीक है भाई।
राधे मिल चुका है मैं पानी के मौसम में। जब भी मैं लेने गया तो मैंने भाई भीन जाया इसलिए मैं लेके आ जाऊँ, तो आप लोग देख रहे हो मैं पुल से कहाँ जा रहे हैं, तो थोड़ा इलाइट का काम है। मैंने कि राधा भाई चलते हैं, राधा भाई बोला चलते हैं भाई पुल देखो भाई मज़ा आ गया। सीपरी के पुल की बात ही अलग है, क्यों नहीं है भाई उत्तर प्रदेश की गाड़ी क्या हो गया, पंचर हो गई है शान रहे तेरी का क्यों घर देख रहे हैं तो अपना देख रहा है समझ रहे हो आप अबे नहीं देखेगा पता है मजे लो तुम तो फुल के मजे लो हाँ हर चीज के मजे ले लो तुम तो भाई तेज हो रहा है थोड़ा सा लौटा संभाल के रखना पड़ेगा मट्टी में बांध के रखना पड़ेगा नहीं तो भग जाएगा नहीं तुझे अब तो तुम्हें सर्दी होगी। बोल देखो अरे यार सेक्सी सेक्सी लग रहा बोल तो अपन ही नहीं गिर रहा है 40 की स्पीड में गाड़ी चल रही है पकड़ आज को देखो बहन ओ ओ ओ ओ हम लोग लाइट से बीके दी आ गए थे क्या दिखा रहा है बीकेडी दिखा रहा है बीकेडी दिखा रहा है अरे कोई खड़ा था बाहर सॉरी कौन खड़ा था वो गार्ड खड़ा होगा भाई हमारे स्कूल के शास्त्री सर होंगे ड्राइंग टीचर नहीं नहीं अरे कोई ना कोई था मतलब हम बोले एक्सक्यूज में सर बोले हाँ बेटा बताओ हमने आज छुट्टी चली जाएगी ना बोले हाँ बेटा 12:30 आ जाना ठीक है सर आ जाएंगे वैसे हम 1 बजे आते 1:30 बजे आते हाँ 1:30 बजे आते जब तक तुम गोली हो जाती गोल तो नहीं होते एक दिन गोल हो गए थे वो भी ये नहीं आए थे इसलिए हमारा एक दोस्त मिल गया था बोला भैया वो हमें छोड़ दे रहे थे चलो ठीक है गाइस मिलते हैं अपन थोड़ी देर में आते आप लोग नहीं देते भाई जल्दी करो यार कुछ पैसा है कमाए कुछ दिखाए आपको अब देखो दिल्ली गए थे दिल्ली में ऐसे ऐसी दिल्ली में बिल्ली बन के आ गए थे हम वापस भाई दिल्ली में ये बस 10,000 रुपए लेके गए थे पर लोगों को कोई काम नहीं हुआ कुछ भी नहीं कर पाए भाई ना अच्छे से घूम पाए चलो अगली बार जाएंगे अगली बार अपनी खुद की गाड़ी में जाएंगे आप लोग यूज करवाओ तो हम लोग अच्छी अच्छी आपको जगह घुमाए बाहर जाए फिर हम लोग अभी तो मन नहीं लगता हमारे वाले ब्लॉग को भी जाना चाहिए और गाइस कमेंट में गुलाबी दिल गुलाबी दिल गुलाबी दिल गुलाबी आंख शतरी sometimes you're not even given a chance. Sometimes you just gotta take it. I remember the bad days. Do you? वहाँ से फिर घर पे चला गया था अब तो वही है रात तो वर्ल्ड अभी बज रहा है 7 बज रहा है तो वर्ल्ड शायद ये दिन थोड़ा बहुत दवाई मवाई लेने आ रहे थे तो अभी बैठी है मैंने तो ब्लॉग चालू करा जाए तो आपको दिखा दूँ अभी मैं यहाँ पे कौन से एरिया में ये वाले बॉले एरिया में हूँ ये क्या बोलते हैं कालीबाड़ी बोलते हैं सीपी बाजार में राम मंदिर है बड़ा वाला उधर वाले एरिया में हूँ बट यहाँ से निकलते हैं फिर आपको दिखाते हैं छोटा सा सर हमारा बहुत दिनों में दिखा रहा हूँ बहुत दिनों बाद दिखा रहा हूँ ना आपको छोटा सा सर दिखाते हैं आपको ठीक है बने रहिए तक ब्लॉग में शायद भैया बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आ रहे हैं वही हो गया होगा 2-3 महीने हो गए हूँ जब से ब्लॉग में नहीं आया शायद हैंडसम तो लग रहा ना हैंडसम तो हो ही दो हैंडसम वो है दाल भाई हमारा बदल गया बिल्कुल यहाँ से निकलते हैं जी हमारा छोटा सा सदर है अजीब सा लग रहा होगा आपको एक बात और बोलना चाह रहे थे भाई कौन कौन बिग बॉस देख रहा है इस समय जो बिग बॉस देख रहा है हारा भाई गया है कौन गया है एलविश यादव भाई गया है सब उसको वोट देंगे क्योंकि उसी को जीतना है ना राहुल भाई उसी को जीतना है ना अपने भाई को जीतना है यार
जल्दी जा रहे, इसको वोट करो एलवेश यादव को, एलवेश यादव भैया को, सॉरी भाई यादव हो जाए तो बहुत ही भाई जान बस वीडियो तो ले लेंगे रोस्ट कर देंगे गाइस अपन को, वो अपन तो चाह ही रहे।